बेबी डॉल गाने से सुर्खियां बटोरने वाली सिंगर कनिका कपूर अपने जबरदस्त गानों को लेकर चर्चा में बनी रहती है। इन दिनों वो कोरोना वायरस को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल लंदन से लौटी कनिका कोरोना वायरस की चपेट में है। कनिका कपूर की दोबारा जांच करने पर वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। बुरी खबर ये है कि कनिका इस दौरान यूपी के मंत्री से लेकर सांसद तक से मिली। अब देश की संसद के दरवाजे पर कोरोना का डर फैल चुका है। अब कनिका के कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद कई जगहों पर हड़कंप मच गया है। बहरहाल कनिका कपूर में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। लखनऊ के आइसोलेशन वार्ड में उनके पूरे परिवार को भर्ती किया गया है और आरोप है कि 9 मार्च को लंदन से भारत लौटी कनिका कपूर एयरपोर्ट अधिकारियों को चकमा देकर बाहर निकल गई थी। हालांकि कनिका कपूर ने आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि स्क्रीनिंग हुई थी लेकिन आइसोलेशन में रहने की सलाह नहीं दी गई थी, लेकिन इस लापरवाही के कारण कनिका के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसमें खुलासा हुआ है कि कनिका कपूर ने अपने कोरोना पीड़ित होने की जानकारी थी लेकिन ये जानकारी उन्होंने सबसे छुपाई। वहीं लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने बताया कि कनिका कपूर के खिलाफ CMO से आई रिपोर्ट में उनके आने की तारीख 14 मार्च लिखी है जबकि वो 11 मार्च को आई थी। जाँच के दौरान पुलिस इस चीज को सही कर देगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।